नमस्कार, मैं राजीव खत्री और आप देख रहे हैं अमर उजाला टॉकीज। वर्तमान समय में बड़ी संख्या में युवा नशे की चपेट में आ रहे हैं। ऐसे में एक शिक्षक ने बेड़ा उठाया है कि बच्चों को नशे से कैसे दूर रखा जाए और उन्हें खेलों के प्रति कैसे आकर्षित किया जाए। यह शिक्षक 42 साल से लगातार बच्चों को खो-खो के लिए तैयार कर रहा है। इस शिक्षक के प्रशिक्षित बच्चे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुके हैं। उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई गोल्ड मेडल जीते हैं। आइए मिलाते हैं आपको इन शिक्षक से। मैं नागेश कुमार राजपूत, रिटायर्ड टीचर, पंजाब नेशनल इंटर कॉलेज। मैं 1982 से मैं लगातार यहाँ खो खो खिला रहा हूँ और मेरा उद्देश्य है कि बच्चों को जो है नशे से बचा के रखना और उनको हेल्दी बनाना और उनका एक नेशनल का सर्टिफिकेट जिससे कि उनका अपना कहीं नौकरी में काम आए, कहीं उनका पढ़ाई में काम आए। इस उद्देश्य से इन बच्चों के साथ जो है निःशुल्क सेवा में जो है लगा रहता हूँ। ये मेरे ग्राउंड के बच्चे जो है इंटरनेशनल भी खेले हुए हैं। एक बच्चा जो है 2 इंडिया कैंप किया हुआ है और कम से कम 150 के करीब बच्चे जो है नेशनल लेवल पर प्रतिभा कर चुके हैं। स्टेट लेवल पर तो कई सौ बच्चे जो है प्रतिभा कर चुके हैं और ये बच्चे पूर्ण रूप से जो है स्पीड भी है इनमें, स्टेमिना भी है इसमें, इसमें एजिलिटी भी है और दिमाग भी है। हर तरह से जो है बिल्कुल 100% जो है फिट बच्चे हैं और स्टेट लेवल पर जो है ये विनर टीम है हमारी जो है, जो ये बच्चे आज इनके साथ हम लगे रहते हैं और खिलाते रहते हैं। अभी तक आपके कितने बच्चे नेशनल लेवल पर जा चुके होंगे? लगभग जो 150 के करीब जो है नेशनल लेवल पर खेल चुके हैं, जिसमें HEFI नेशनल, KKFI नेशनल और नॉर्थ जोन नेशनल। सपना क्या है आपका? मेरा सपना ये है कि बच्चों में जो है अच्छी आदत डालें और उनका जो है हेल्दी रहें और भविष्य में जो है कुछ करके दिखाएं। बस इतना है। ये खेल जो है इसको सरकार भी इतना अधिक बढ़ावा दे रही है कि इसके अभी एशियाड में भी ये सम्मिलित हो गया है, इसकी आजादी हो चुकी है, अधिसूचना हो चुकी है और उम्मीद वैसे तो ये 22 में होना था लेकिन 22 में एशियाड नहीं हुए, अब ये 26 में जो है एशियाड में जो है होगा और अभी फिलहाल में 1-2 महीने में अभी विश्व कप होने वाला है। अब विश्व कप में जो है लगभग 35 देशों की टीमें इसमें प्रतिभाग कर रही हैं। और आपको क्या उम्मीद है? मुझे उम्मीद है कि उसमें जो है एशियाड में हमारी इंडिया की टीम जो है गर्ल्स और बॉयज दोनों टीमें गोल्ड मेडल जीत कर लेंगे। अभी हम आज की डेट में देख रहे हैं कि नशा कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा है और कल परसों तक भी नशा के कुछ ज़्यादा, और हमारे आसपास में काफ़ी उम्र काफ़ी छोटे बच्चे जो नशे की लत में पड़ चुके हैं, उनकी जो हेल्थ तो काफ़ी ख़राब जा रही है। हमारा एम है कि हम खेल में आगे बढ़ें, नशे से बचें और आगे और काम करें। इस जगह में हमारे काफ़ी सारे कॉरपोरेटर हैं जो हमारा साथ देते खेलने में, हम भी अपना गेम आगे रखना चाहते हैं और गेम एक ऐसी चीज़ है जो हर चीज़ को बुला सकता है। अगर आपके अंदर कला है तो आप किसी भी गेम को जीत सकते हो और नशे से बच सकते हो। सीखने को मिलता है हमें, खेलों में जाना चाहिए, ज़्यादा फ़ोन में ध्यान देना नहीं चाहिए। खेलों में आप आजकल बहुत बढ़ रहे हैं, बच्चे नेशनल खेल रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।